ऐसे बोलते हैं ना, डराते हैं बंदे को, कुछ कहते नहीं होते, अपने मन का वहम होता है बंदे। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जी एन स्वागत वेलकम टू अमेरिकन देसी व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमेशा सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाइए और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत, लेके प्रभु का नाम बोलो जय सियाराम। तो बाहर बहुत बारिश पड़ रही है इसलिए मैं अंदर आ गया, बाकी बच्चे अभी भी बाहर खेल रहे हैं, मतलब उनको कुछ नहीं होता, बच्चों का यही होता है कि हमें खेलना है, बाकी बारिश पड़ रही है तो उनको कोई परवाह नहीं है। बट मैं मेल लेने गया था तो मेल में मैंने क्या होता है, कई बार मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा होता हूँ तो ना आवाज़ नहीं आती आप लोगों को, और या अगर मैं धीरे बोल रहा होता हूँ तो, अगर जिम में होता हूँ तो आवाज़ नहीं आती, तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन के लिए और जो कैमरे के बीच में और लैपटॉप के बीच में भी माइक्रोफोन मंगवाया, तो उसके लिए मुझे हेडफोन जैक चाहिए था तो वो उसके साथ नहीं आया था माइक्रोफोन के साथ, बाकी वो ऑर्डर किया था वो आज आ गया है, तो अब उसको हम ओपन करते हैं और माइक के साथ टेस्ट करते हैं कि हमारी ऑडियो क्वालिटी अब कैसी है। वैसे तो फ़ोन में अच्छी आवाज़ आती है, बट अगर जब धीरे बोल रहे हो, अगर आप कहीं बाहर हो या कोई बाहर हवा हुआ चल रही हो तो उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आती आप लोगों को, तो आप लोगों को भी सुनने में थोड़ी परेशानी आती है, तो इसीलिए मैंने माइक्रोफोन ऑर्डर किया था। मैंने कहा चलो देखते हैं इससे कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो ये आया है मेल में हमारा एप्पल का लाइटनिंग हेडफोन जैक। तो क्या होता है, जो आईफोन 7 से ऊपर है उनके लिए जैक ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको हेडफोन्स लगाने हैं तो इसको चार्जिंग वाली साइड में जाएगा और यहाँ से आप हेडफोन जैक लगा सकते हो। अगर इसके बीच में ये सीधा प्लेन हेडफोन जैक बना नहीं आता, जो 3.5 mm का होता है वो नहीं बनाता, तो इसके लिए ये मैंने ऑर्डर करना पड़ा मुझे। और ये अपना माइक्रोफोन है, साथ में हमने ये बहुत अच्छी पैकिंग में आया था, तो अंदर से हम निकालते हैं, निकल गया भाई। इसकी वायर बहुत लंबी है, देखो कितनी बड़ी वायर आती है इसके साथ, तो बढ़िया चीज़ें हैं। और ये है माइक्रोफोन, ये जाएगा इसके बीच में यहाँ पे, और ये जाएगा फ़ोन में, और ये रहा माइक्रोफोन। गाइस तो वायर देखो कितनी छोटी सी है, ओहो मुझे था कि थोड़ी बड़ी होगी, बट ये हेडफोन जैक की वायर बहुत ही छोटी है। तो ये ओरिजिनल एप्पल का मैंने मंगवाया था, दूसरे मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे तो दूसरे कहते हैं कि 5-10 दिन चलता और बंद हो जाता, तो ये मुझे एप्पल का मैंने ऑर्डर किया था, बट वायर देखो कितनी छोटी है इसकी। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट माइक टेस्ट माइक टेस्ट। तो गाइज अब आप मेरी आवाज़ आप माइक से सुन रहे हो, माइक पूरी तरह हमने अटैच कर दिया है, बट इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो मैंने मफ़ल लगा दिया इसके ऊपर। बाकी मोस्टली ये मैं जैसे कहीं हम बाहर गए और वेरी विंडी है और अगर बहुत नोइजी है तो तब यूज़ करूँगा। वैसे मैंने ऑर्डर कर लिया है, होपफुली मैं ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी आवाज़ माइक से अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज की व्लॉग हम अपने नेबरहुड में बना रहे हैं, आज कहीं जाने का मन नहीं था और घर पे भी कुछ करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने कहा आज आप लोगों को अपने नेबरहुड दिखाता हूँ। तो यहाँ की हरियाली, यहाँ के घर, यहाँ की, यहाँ पे बेसिकली नेबरहुड बोल देते हैं इंडिया में, मोहल्ला बोल देते हैं अपना आसपास गली में या आसपास के एरिया। तो हम अपनी दो गलियों से इधर की तरफ आए हुए हैं, अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारा घर वो उधर दो गलियां छोड़ के है, तो दो ब्लॉक छोड़ के हमारा घर। वाओ, कुत्ते भी बहुत सारे यार, इधर कुत्ते बहुत है, आप जैसे की आवाज सुन ही सकते हो, तो कुत्तों की आवाज यहाँ पे बहुत है। फ्लावर देखो आप, ग्रेवियस कितने अच्छे हैं, एंड दीज आर ऑल रोजेस, कितने प्रिटी है ना।
तो यहाँ पे लोग ऐसे भी कर लेते हैं, बाहर स्विंग्स रख लेते हैं पर बैठते दो को भी मैंने देखे नहीं बट इनके स्विंग्स लगे होते हैं। ये पहाड़ी ऊपर से चढ़ी है, आप दिखाते हैं पीछे रिमेम्बर इंडिया में हम झूला रखा हुआ पौधे लगाते होते थे एंड देन जब इंडिया में हम लैंडस्केपिंग करते थे रिमेम्बर तो हम ऐसे ही झोंपड़ियों में से घर बनाते होते थे। अब देखने की बात उस टाइम बंदा सोचता था कि यार ये तो जंगल जंगल है या ऐसे करके हम पता नहीं क्या बना रहे बिकॉज वी नेवर सीन दोस काइंड ऑफ हाउसेज इन इंडिया राइट। अब यहाँ पे पता चलता है लैंडस्केपिंग वाले हाउसेज को बोलते हैं। तो आज हम कहीं पे गए नहीं तो मैंने कहा आज आपको अपने नेबरहुड या क्योंकि आप वैसे तो सड़कें वगैरह देख ही लेते हो बट पूरी तरह आपको दिखाया नहीं कभी तो मैंने सोचा आज आपके साथ रूबरू हुआ जाए और आप लोगों को आज अपना नेबरहुड दिखाया जाए। अमेरिका में नेबरहुड ऐसे होते हैं। हाँ हाँ तो नेबरहुड ऐसे होते हैं जो मोहल्ला बोल देते हैं इंडिया में, जैसे दीपिका ने पहले भी बोला बट ऐसे ही बहुत क्वाइट होते हैं सभी के घरों में अंदर अंदर ही होते हैं। ओके गाइस तो सामने ही है चर्च तो यहाँ पे संडे के संडे बहुत रश होता है। इन्होंने देखो पीछे वो घर भी बनाया हुआ बच्चों के खेलने के लिए और आप यहाँ से देखोगे ये देखो व्यू कितना बढ़िया। अब हमें थोड़ा धीरे 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 उतर के चलना पड़ता है। इधर भी कुत्ता है इनका, इनका फेंस लगाई हुई है बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास कुत्ते ही बहुत हैं तो हर घर में कुत्ता होता ही होता है। ये क्यों बहुत क्वाइट है क्योंकि आज एक तो बारिश हुई। हाँ डिनर का टाइम हो चुका था और गाइस ये देखो ये घर टेंट है, इसका आधा पार्ट नीचे और आधा पार्ट ऊपर है। ये पहाड़ी पे होते है ना घर तो ऐसे आधा नीचे होता और आधा ऊपर होता। तो सामने आप देखोगे बिल्कुल सामने है हॉस्पिटल। तो ये जो यहाँ पे रहते हैं ये सभी डॉक्टर्स नर्सेज रहते हैं तो इनको इजी रहता है क्योंकि ये पैदल तुर के वहाँ पे जा सकते हैं। या तो गाइस आप देख सकते हो ये है वो स्टेशन आप जो सामने देख रहे हो वहाँ पे अगर आप अपने डोगी को साथ में लेके आए हो और उसने पुट्टी वगैरह कर दी है तो वहाँ पे बैग वगैरह दिए होते हैं तो आप वहाँ से बैग उठाओ और पुट्टी वगैरह उठा सकते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पे ये पीछे देखो बैकयार्ड भी दिया हुआ अपार्टमेंट के, आप कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा बढ़िया है ये भी। फिर सारे अपार्टमेंट्स हैं, हम अपार्टमेंट के बिल्डिंग में घुस आए, हम रहते नहीं हैं यहाँ पे बट आप लोगों को मैंने कहा दिखा दूंगी अपार्टमेंट्स भी। तो ये है लीजिंग सेंटर, तो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो यहाँ पे इनका लीजिंग ऑफिस है तो आप यहाँ पे अंदर आ गए। सामने वो काला डोर है ना जो वहाँ पे, तो वहाँ पे आप अंदर जाओ और अपना साइन अप वगैरह कर सकते हो। बाकी ये सारे अपार्टमेंट्स है गाइस देखो नंबर लिखे हुए हैं 225 की गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, 224 की। हर गाड़ी को अपार्टमेंट के अलॉट किया होता है। तो सामने इन्होंने प्लेग्राउंड बनाई हुई है, जो भी अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो वहाँ पे जाके खेल सकते हैं राइट देयर। बाकी हम फिर से मेन रोड पे आ गए, पीछे से चढ़े थे आगे से आ गए हम उतर आए हैं। तो वेदर थोड़ा चिली है बट इतना नहीं है कि वॉक नहीं कर सको। यही टाइम होता है शाम को थोड़ा सा बाहर निकलो
बहुत अच्छा लगता है जब बर्ड्स को सुनने को मिलता है। ये बंदा जा रहा है अपना डॉग लेके। और बताओ कैसा लगता है आपको अपना नेबरहुड? राइट, बाकी ट्रीज देखो कितने भर गए हैं। यही ट्री अगर आपने भरे पिछले व्लॉग देखे होंगे 2-3 महीने पहले के, सारे खाली हुए पड़े थे। सड़कें क्लीन रहती है यहाँ पे, पत्तों का ही ज्यादातर खलारा होता है, वो भी ये टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं एवरी बेंच से। दे कम टू क्लीन, जैसे इन्होंने किसी ने बुशेस रखी हुई है तो ये राइट। तो आप पूरा का चाहे पूरा पेड़ काट के रख दो, इन्होंने हर वेंसडे को वेंसडे आके और पिकअप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी कुत्ता है आगे और कुत्ता मुंह करा, मुझे डर लगता है। अभी मुल्च डाल दी पूरी पूरी, बढ़िया करती है। मुझे अच्छा लगता है वॉक पे जाना है। अगर लोगों ने क्या होता है अपने अपने घरों के बाहर डेकोरेशन की होती है, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार वैसी डेकोरेशन मैं भी करूँ। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिखता है सारे घर। ये पहाड़ी पहाड़ है, पूरी वैली है, वहाँ पे भी कुत्ता है, रौनक वैली। ये हिल्स है हमारे, आपको लगेगा जैसे पहाड़ है बट ये हिल्स है पूरी। तो जैसे यहाँ से देखो रास्ता ऊपर तक जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मेरे हिसाब से ऊपर जाता है। तो ये सड़क तो आपने कई बार देखी होगी, ये हमारी मेन रोड आ जाती है। ओके गाइस, तो ये था हमारा नेबरहुड। तो होपफुली आप लोगों को हमारा नेबरहुड अच्छा लगा होगा। बट आज की व्लॉग गाइस बस यहीं तक ख़त्म करते हैं। और अगर आपको आज की व्लॉग अच्छी लगी, छोटी सी व्लॉग थी, तो आज कहीं जाने का मूड नहीं था और थके भी हुए थे, बाकी आज की व्लॉग बस यहीं तक। अगर आपको आज की व्लॉग अच्छी लगी तो मेरे लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अगर कर लिया तो आगे से आगे शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हैव अ गुड नाइट गाइस।